राजकर राजी होगी और वो रत्ना रानी के हाथों द्वारा। महाराज आप इस मुल्क के युवराज हैं और मैं एक लकड़हारा हूँ। सोचिए कि हमारा औलाद का संबंध कैसे हो सकता है महाराज, मैं तो कभी सपने में नहीं सोचती। नहीं बिटिया, तुम दर्शन होगी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरी नजर में एक समान हो। और तुम ये मत कहो कि तुम लकड़हारी हो, ऐसा नहीं। हम वही सम्मान सबको देते हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा। और चल करके देख लेना, सिंह और गाय को एक घाट पर पानी पिलाते हैं, तो मेरा कहना स्वीकार करो। ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात हो तो आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक वचन दो वचन दीजिए। वचन? कैसा वचन? मांग लो, खोल कर दे दी, मांग लो। महाराज कहना मेरा ये है कि मेरे कोख से जो कोई संतान होगा उसे आप इस मुल्क के अधिकारी बनाएंगे और उसके सरपेदार बनाएंगे। विधवा, तुम्हें मालूम होना चाहिए ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान नहीं। हम ये शादी एक संतान की तरह, ईश्वर ने हमें खूबसूरत पत्नी भी दी है, लेकिन अफसोस एक औलाद नहीं हुआ। आज एक संतान मिल जाए तो मेरे न रहने के बाद हमारी हवेली में कम से कम जिलाब चलेगा। नहीं हमेशा हमेशा के लिए मेरी महल का जिलाब अस्त हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी कोप से जो संतान जन्म लेगा वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, अपने हाथों से राजतिलक करूंगा और शर्तार सुनाऊंगा। वचन दे रहा हूं, मुझे एक वचन और चाहिए। बोलो क्या चाहती हो? महाराज मैं कब कहने के बाद अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मानू क्या नहीं। महाराज जी कुछ सखी बात हो, अगर इजाजत हो तो ये गुलाम भी आपसे कुछ बोलो। रवि प्रकाश सिंह महाराज जी इनका पहला वचन तो हम लोगों के समझ में आ गया कि ये यही चाहती है कि हमारे कोख से जो भी संतान जन्म ले उसका राजतिलक आप अपने हाथों से करेंगे, यानी अपने उड़ीसा राज्य का उत्तराधिकारी होने वाले इनके बेटे को बनाएंगे। लेकिन महाराज जी इनका दूसरा वचन अभी अधूरा है, वो राज पोसीदा है। वचन देने से पहले आप इनसे आया करवा लीजिए, नहीं वक्त आने पर ये ना जाने कि आप हम बैठे और आप देने से असमर्थ। रवि प्रताप सिंह ये करीब लड़की मांगी क्या सकती है? हम दौलत मांगेगी, आराम मांगेगी। हम इसे हर दौर मुहैया करेंगे। क्या मांगेगी? ठीक है बिजमा, जैसे तुमने पहला वचन मांगा कि मेरे कोख से जो संतान जन्म लेगा उसे
यहां का शहंशाह बनना होगा। उसी तरह तुम अपने दूसरे वचन को मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? मैं समझ में नहीं आ रहा और बस जाने में मैं मांग लूंगी। हाँ, हो सकता है ऐसा कभी वक्त ना आए मांगने का, कोई जरूरी नहीं है। बिटवा, तुम्हारा दूसरा वचन मेरे पास गिरने के रूप में है और जब कभी दूसरे वचन को मेरे सामने पेश करूंगी तो दूसरे वचन को अवश्य पूरा करूंगा। मैं वचन दे रहा हूं, शिवाइयों रमे प्रताप सिंह विधवा को श्राप देकर हवेली हमारे भाई